महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान का आगाज करेगी। पहले ग्रुप मुकाबले में भारतीय महिला टीम की टक्कर न्यूजीलैंड से होगी। भारत को ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ रखा गया है। इस ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ भी माना जा रहा है। फिलहाल ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का शुभारंभ 3 अक्टूबर से शारजाह में हो चुकी है। अब तक वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच हुए कुल 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सिर्फ 4 मैच में ही जीत हासिल हुई, जबकि 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। अब तक कुल 8 बार महिला T20 विश्व कप खेला जा चुका है, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम 4 बार सेमीफाइनल खेल चुकी है। इस बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने के प्रमुख दावेदारों में से एक माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में जीत से आगाज कर पाएगी या नहीं। एक नजर T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर डालते हैं। आज के मुकाबले में हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान, शिफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स, ऋचा घोष विकेट कीपर, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, दयालन हेमलता, राधा यादव, यास्तिका भाटिया, श्रेयंका पाटिल, इन्हीं 15 खिलाड़ियों पर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के होने वाले मुकाबलों पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड से मैच के बाद 6 अक्टूबर को पाकिस्तान से दुबई में, 9 अक्टूबर को श्रीलंका से दुबई में और 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से शारजाह में भिड़ेगा। भारत और न्यूजीलैंड का ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। आप इस मैच का सीधा प्रसारण DD फ्री डिश पर DD स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं।